नमस्कार आदाब, ग्रीन लीफ में आपका स्वागत है। आज से 8 महीने पहले पोनोकार्पस ट्री पर एक वीडियो बनाया था। इस ट्री के बारे में काफी मिथ फैला हुआ है, आज हम उसके रियलिटी के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ हम कुछ लोकेशन पर विजिट भी करेंगे और देखेंगे प्लांट के ग्रोथ को, जिस जगह का पहले वीडियो लिया था। उस वक्त विंटर का मौसम था, लेकिन अब गर्मी का मौसम है और जून का महीना है। हम जानेंगे कि गर्मी में प्लांट्स के हाल कैसे हैं, तो बने रहिए चैनल पर। पोनोकार्पस नॉर्थ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। यह एक मैंग्रोव प्लांट है, इसे बटन मैंग्रोव भी कहते हैं। मैंग्रोव ऐसे श्रब या पेड़ होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ऐसे तटीय जगहों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है। इस टाइप के प्लांट्स तटीय कटाव, तूफानों और लहरों के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध बनाते हैं और तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं। मैंग्रोव वनों की पत्तियां खास तौर पर ढली हुई होती हैं। ये अपनी दिशा को बदलकर दोपहर की तीखी धूप बचा लेती, इससे इनको सुरक्षा मिल जाती है और भाप बनकर उड़ने वाला पानी की मात्रा कम हो जाती है। विशेषज्ञों के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में 1,80,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन को ये मैंग्रोव वन सोख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम पोनोकार्पस के मिथ के बारे में जानेंगे। मिथ नंबर 1, पोनोकार्पस के पोलन से एलर्जी होती है। पोनोकार्पस के बारे में इतनी अफवाह फैली हुई है कि इसके पोलन से एलर्जी हो, लेकिन यह बात सच नहीं है। दुनिया के जितने भी प्लांट्स हैं उसमें भी पोलन निकलते हैं जो फूलों में होते हैं। हालांकि कुछ प्लांट्स हैं वर्ल्ड में जिनके पोलन से एलर्जी होते हैं, लेकिन पोनोकार्पस के बारे में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया जिससे साबित हो सके कि इस प्लांट के पोलन से एलर्जी होती। मिथ नंबर 2, यह जमीन का पानी खींच लेता है। जितने भी फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वे थोड़ा ज्यादा ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि यह प्रक्रिया हर पौधों में होता है। कुछ कम तो कुछ ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं। जमीन से पानी लेकर पत्तियों द्वारा हवा में फेंकना यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जबकि यह प्लांट डेजर्ट के लिए भी उपयुक्त है। जिस जगह का बोरवेल वाटर TDS 1200 PPM से ज्यादा है, वहाँ दूसरे कोई प्लांट पनपने में सक्षम नहीं होता, या जमीन बंजर रहती है या जंगली बबूल उगे होते हैं। ऐसे जगहों के लिए हरियाली का एक विकल्प हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्थान मैंने देखे हैं जहां मीलों मील तक एक भी पेड़ नहीं दिखता। ऐसे जगहों के लिए यह पौधा उपयुक्त है। मिथ नंबर 3, इसके रूट से ड्रेनेज लाइन डैमेज होते हैं। जी हाँ, इस प्लांट के रूट गहरे तक जाते हैं, इसलिए अगर यह प्लांट सिटी एरिया में लगाए जाते हैं तो अंडरग्राउंड गटर सिस्टम डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह पेड़ उस जगह के लिए काफी सही है जहाँ पर पानी खारा हो और दूसरे प्लांट न लग सके। अगर हम वाटर साइकिल की बात करें तो जितने ज्यादा ट्रीज होंगे बरसात के चांस उतने बढ़ जाते हैं और धरती का टेम्परेचर भी कम होता है। तो चलिए चलते हैं हम शहर के कुछ हिस्सों में जहां पर पोनोकार्पस को डेकोरेटिव प्लांट के तौर पर लगाया गया है। पोनोकार्पस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल्स दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।